पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण मैच से बाहर होने वाली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपनी आवाज CAS तक पहुंचाई। तमाम दलीलों के बावजूद CAS की तरफ से विनेश को कोई रियायत नहीं मिली, जिसके बाद विनेश को निराशा के साथ खाली हाथ देश लौटना पड़ा। वहीं CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये साफ कर दिया कि आखिर क्या वजह है कि विनेश को सिल्वर मेडल नहीं दिया जा सकता है। CAS का साफ साफ कहना है कि किसी भी खिलाड़ी या प्रतिभागी के लिए नियम से कोई परहेज नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों को अपने वजन के दायरे में रहना उनकी जिम्मेदारी है। अपनी अपील में विनेश ने मांग की थी कि उन्हें क्यूबा की पहलवान लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक दिया जाए, जो सेमीफाइनल में उनसे हार गई थी। भारत की 29 साल की खिलाड़ी के अयोग्य होने के बाद क्यूबा की पहलवान को फाइनल में खेलने का मौका मिला और इस स्पर्धा का गोल्ड मेडल अमेरिकी सारा ने जीता। विनेश ने अयोग्य घोषित होने के बाद खेल से संन्यास का ऐलान भी किया था, हालांकि उन्होंने शुक्रवार को संन्यास से वापसी का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा। विनेश ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमने हार नहीं मानी, हमने प्रयास किया लेकिन घड़ी रुक गई और समय ठीक नहीं था, मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। उन्होंने आगे लिखा, हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि भविष्य में मेरे लिए क्या रखा है, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है। मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। CAS के मुताबिक खिलाड़ी के लिए समस्या ये है कि वजन सीमा के संबंध में नियम स्पष्ट है और सभी प्रतिभागियों के लिए समान है, इसके लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि उस सीमा के नीचे रहें। CAS ने आगे कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है, आवेदक का वजन सीमा से अधिक था, उसका मामला ये है कि उसका वजन मात्र 100 ग्राम अधिक था और इसकी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पानी पीने और विशेष रूप से मासिक धर्म से पहले के चरण के दौरान हो जाता है। विनेश को महिलाओं के 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल फाइनल की सुबह अयोग्य घोषित किया गया था। उनके अपील पर निर्णय 3 बार स्थगन के बाद सुनाया गया। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेल पंचायत यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा कि खिलाड़ियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने वजन की सीमा के अंदर रहें और इस तरह के मामले में किसी भी परिस्थिति में कोई अपवाद प्रदान नहीं किया जा सकता। CAS के तदर्थ पैनल ने 14 अगस्त को 100 ग्राम अधिक वजन के कारण फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनकी अपील को खारिज किया गया था। इस फैसले पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। CAS ने सोमवार को एक विस्तृत निर्णय प्रकाशित किया, जिसमें बताया कि विनेश की अपील क्यों खारिज कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।